अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें। और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। वो हुंदे जुबाना दे उत्ते लख तारे, हुंदे जुबाना दे उत्ते लख तारे, ते ऐदा नहीं सिटे जाते गज हुंदा। वो दिंदा कोई ना मतल ताड़िया नू, ते ना ही जिंदगी जीन दा चज हुंदा। वो एना पगा दुपट्टिया चुनिया दी था, साडे सिरा ते टोकरी छज हुंदा। वो हुंदा जिकर ना किसे तरीक अंदर, ते साडा सखना जेहा इतिहास हुंदे हास हुंदा। वो सिक्का कन्ना दे विच भी अज पैंदा, वो जिन्ना जगते गुरु रविदास हुंदा, वो जिन्ना जगते बाबा साहब हुंदा। वो इंसानों को गुलाम बना कर तो ये हजारों बादशाह बने हैं, मगर गुलामों को इंसान बनाने वाले मेरे बाबा साहब ही। वो बाबा साहब ने घोर गुलामी वाला सानू एहसास करा दिता। वो जेड़ा ढांचा किसे तो नहीं हिलिया, उनू पैरा तक हला दिता। वो जेनू सारा देश ही मानदा सी, ते बापू बापू कहिंदा सी, वो गांधी पढ़ने पा दिता। ते एक मूल निवासी नू सहजल उन्हें राष्ट्रपति बना दिता। वो एक बाबा साहब इकले ने यह जीवन कौम दे लेखे ला दिता। ते बड़े दुख नाल कहना पैंदा है, असी बाबा साहब भुला दिता। वो साडा जीना कादा जीना सी, ते छप्पड़ां दा पानी पीना सी, वो रोटी दे टुकड़े दी खातिर सारा दिन खेतां विच रहना। वो असी पढ़न स्कूले जांदे ना, ते अज पैंती कोट कोई पौंदा ना। वो असी रब विखे नू मनना सी, जे बाबा साहब मसीहा आउंदा ना। क्यों बाबा साहब का मतलब की है? मैं इतिहास वाल नहीं जाना चाहता, क्योंकि क्योंकि सच जिते गाना औखा है उत्थे सुनना बहुत। संत महापुरश बैठे है, पर बाबा जी असी एक मिशन लेकर तुरे हैं कि तेरे कदमां दी सौंपीम सोने, जिंद कौम दे लेखे ला देंगे, फिर के गली गली विच कूचियां दे, तेरा कर कर सुनेहा पहुँचा देंगे। ये हड्डियां नोच के मास ते तन अपना, ये भी कौम दी पेट चढ़ा देंगे। रही जग ते जे जिंदगी फिर तू, मुल तेरी कुर्बानी दा पा देंगे बाबा, मुल तेरी कुर्बानी दा पा देंगे। दुख केड़ी गल दा है, जिहड़ा बगवाड़े विच माहौल खराब होया सी, हुण चैलेंज है उन्हां लोकां नूं कि तुसी बाबा साहब अंबेडकर दे बुत तोड़ दे हो, तुसी बाबा साहब अंबेडकर दी आइडियोलॉजी नूं तोड़ दे हो। जिस दिन साडा राज आ गया, असी बुत नहीं तुहाडे गुट तोड़ांगे, क्योंकि जे दुनिया दे विच रहना ते काम काज जरूरी है। ऐ मेरे समाज दे लोको, जे दुनिया दे विच रहना ते काम काज जरूरी है, जे बेगमपुरा वसाउणा तां पहला राज जरूरी है, जे बेगमपुरा वसाउणा तां पहला राज जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, जिस दिन पैरा देने की वारी आती है, असी एक बोतल ते एक नोट ते विक जाने, फिर 364 दिन ढंडोरे पिटी जाने कि साड़ी गली नहीं बनी, साड़ी नाली नहीं बनी।
ऐदा गल नहीं बननी। बाबा साहब का पहला नाम दान है, बाबा साहब का इको ही नाम दान है कि पढ़ो जुड़ो ते संघर्ष करो ते जेदी हाल विच जाए ओदी मैदान विच जाए, जेदी मैदान विच जाए ओदी विधान विच जाए, ते जेदी विधान विच जाए ओदी पार्लियामेंट विच जाए। जिन्हां दी पार्लियामेंट विच जाए हुंदी है उन्हां दा बेगमपुरा वस जांदा है, जिन्हां दा बेगमपुरा वस जांदा है उन्हां नूं तरने लाउण दी लोड़ नहीं पैंदी, जिन्हां दा बेगमपुरा वस जांदा है उन्हां नूं डीजे ते भंगड़ा पाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। तो बाबा साहब दी गल करांगा, जरा गौर करियो। वो सारा जीवन लाया वो दलिता थे गरीबाली, वो जात पात दे बने थोड़े बदन सिबाली, वो सुती होई ताकत दा एहसास करा दिता, वो मुर्दे लोका नू भी बबर शेर बना दिता, वो मुर्दे लोका नू भी बबर शेर बना दिता, वो मुर्दे लोका नू भी बबर शेर बना दिता। बाबा जी बबर शेर किदा बनाया, क्योंकि मेरी कौम का किसी ने बेड़ा गर किया है, एक धोती वाला तो दूजा टोपी वाला, क्योंकि गांधी चाहता सी कि मेरा समाज पाटी जी धोती पा के खूंडी लैके मेरे वांगू समाज में फिरे, तो बाबा साहब कहते सी कि मेरा समाज पैंट कोट पा के पॉकेट में कलम लैके ते टाई ला के फिरे। जो गांधी विदेशों में गया इनू किसी ने पूछया कहिंदे तू कौन है, कहना मैं उस महान भारत देश तो हाँ जिस भारत देश के लोग मैनू बापू बापू कहिंदे है। आ फिर गया टोपी वाला कहिंदे तू कौन है, कहना मैं भी उस महान भारत देश तो हाँ जिस भारत देश के लोगों बापू कहिंदे है, उस भारत देश के लोग मैनू चाचा कहिंदे है। कहिंदे फिर बारी आई युग परिवर्तन नारी मुक्तिदाता भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर दी, जो पेंट कोट पाए देखा, जो टाई लगी देखी, जो पॉकेट में कलम देखी, कहते ए साहब कौन है, कहते बाबा साहब कहते मैं भी उस महान भारत देश तो हाँ जिस भारत देश के लोगों बापू कहते हैं, जिस भारत देश के लोगों चाचा कहते हैं, मैं इन्होंने दोनों का बाप आ, लोग मैं बाबा साहब कहते। कहते फिर आ लंडू जा प्रधानमंत्री जो विदेशों में गया पूछया कहते तू कौन है, कहिंदा मैं भी उस भारत देश तो हाँ जिस भारत देश के लोगों बापू कहते हैं, इन्हू चाचा कहते हैं, मैं इन्होंने दोनों के बाप बाबा साहब अंबेडकर पढ़िया नहीं, लोग मैनू चा बेच वाला प्रधानमंत्री कहते हैं। कहते फिर बारी आई मान्यवर साहब कांछी राम की, पैरों में चप्पल पाई देखी, साइकिल उच्च झंडा लगा देखिया, कहते ए लीडर कौन है, कहते साहब कहते मैं भी उस महान भारत देश तो हाँ जिस भारत देश के लोगों बापू कहते हैं, इन्हू चाचा कहते हैं, मैं इन्होंने दोनों के बाप बाबा साहब अंबेडकर दी आइडियोलॉजी लेकर चलिया, लोग मैनू बहुजन समाज का लीडर, साइकिल तो उठ के हैलीकॉप्टर जावे लीडर मान्यवर साहब कांछी राम कहते। गल खड़ी कितने है, सानू राज भाग लेना पैना, जेड़े निहत्ते सड़ते हत्या करते हैं इन निबड़ा गए। तो एक औरत जात बैठी है, मैं खास करके गल करा औरत जात की, कि तुसी एक हज़ार की बजाए तुसी 800 वाला सूट पा लियो, तुसी 800 की बजाए तुसी 500 वाला सूट पा लियो, तुसी तीन डंग की बजाए दो डंग रोटी खा लियो, पर अपने बच्चों नू पढ़ायो जरूर, इन्होंने पढ़ाओगे तो हक्का लिए जागरूक होंगे, जब ये पढ़ जाएंगे ये डॉक्टर जज मिनिस्टर वकील लगनगे, क्योंकि ये पखंडवाद है सारा। कहते एक दिन वर्त रखने वाल उम्र वादी है, जे एक दिन वर्त रखना उम्र बदन लग जाए तो सब तो वध समाज मेरा भुखा मरदा रोड़ां ते, जे भुखे रहना उम्र बदन लग जाए तो कदे मेरा समाज मरे ना। ऐ मेरे समाज के लोगो एजुकेशन उपर हो के सोचो इस ब्राह्मणवादी सिस्टम तो। ते औरत जात जिस वेले बाबा साहब अंबेडकर इस दुनिया ते नहीं आए सी, ता जिहड़ी ये औरत जात सी जो तो एदा पति मर जांदा सी ता इस औरत नू पति दे नाल फूकदे सी, जिहनूं सती प्रथा लहर कहिंदे सी, ता बाबा साहब दे सामने जदों पत्नी नू फूकिया गया ता बाबा साहब ने एक कलम चक ली, उन्होंने लिखिया कहिंदे अज तों बाद बंदा मरूगा ता जरूर पर इस औरत जात नू पति दे नाल फूकण नहीं दित्ता जाऊगा। ते एक ऐसी कलम चला के रख दित्ती अज औरत जात नू मरदे बराबर
बराबर बढ़ा कर रखता तो उत्तर प्रदेश की चार बारी मुख्यमंत्री भैन कुमारी मायावती औरत याद में बना के रख दी। ये बाबा साहब की देन वो औरत दे हक्कां अधिकारां खातर लड़िया सी एक पासे सिपीम ते दूजे कुल जमना सी वो औरत दे हक्कां अधिकारां खातर लड़िया सी एक पासे सिपीम ते दूजे कुल जमना सी फिर भी मनु सिमरती नू फिर भी मनु सिमरती नू डूंगा दफना दिता डूंगा दफना दिता मुर्दे लोकां नू भी बब्बर शेर बना दिता वो मुर्दे लोकां नू भी बब्बर शेर बना दिता जड़े लोग कहते हैं कि यह कौम कदे कट्ठी नहीं हो सकती जो कहते जो असं समाज की गल करते हैं साढ़े ना लोग नहीं खड़ते हो माड़े कट्ठे हो जावन फिर माड़े रहिंदे नहीं माली होवे चंगा तो फिर बाद उजड़ते नहीं हो माड़े कट्ठे हो जावन फिर माड़े रहिंदे माली होवे चंगा ता फिर बाग उजड़ देनी ओ बाबा साहब ने दिया पाना नू बाबा साहब ने दिया पाना नू आ महका दिता मुर्दे लोकां नू भी बब्बर शेर बना दिता ओ मुर्दे लोकां नू भी बब्बर शेर बना दिता ओ मुर्दे लोकां नू भी बब्बर शेर बना दिता। वो पैर दी जुती समझण जिसनू ओनू ताज पहना दिता औरत नू भी मर्द बराबर लोग हक दवा दिता वो पैर दी जुती समझण जिसनू ओनू ताज पहना दिता औरत नू भी मर्द बराबर लोग हक दवा दिता दे दिता अस्तीफा यो दे दिता अस्तीफा सारा देश ला दिता वो मुर्दे लोकां नू भी बब्बर शेर बना दिता वो मुर्दे लोकां नू भी बब्बर शेर बना दिता जिथे जिथे बाबा साहब अंबेडकर ने भारत देश का भला किया एक बारी अमेरिका देश विच बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी विच जो स्टडी करके बाहर आए तो उत्थे एक काले रंग का व्यक्ति भांडे मांज रहा सी कहिंदे साहब ने उन्हें पूछा कहिंदे तू भांडे क्यों मांज रहा तू इस देश का जम पाना तू भांडे क्यों मांज रहा कहिंदे वो काले रंग का व्यक्ति कहिंदा बाबा साहब इत्थे काले अते गोरे रंग विच फर्क कीता जांदा कहिंदे बाबा साहब ने अमरीका विच चकली कलम ऐसा इतिहास लिख दिता अज काले रंग का व्यक्ति बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति बना के रखता ये बाबा साहब की देन। हो भीम राव दुनिया विच इको एक व्यक्ति है सहज जिसने दिती सानू सत्ता च शक्ति है
भीम राव दुनिया विच इको एक व्यक्ति है, सैजल जिसने दिती सानू सतच शक्ति है। भुले पटके लोकानू भुले पटके लोकानू मुक्तीरा पा दिता मुक्तीरा पा दिता। हम मुर्दे लोकानू भी बब्बर शेर बना दिता, हम मुर्दे लोकानू भी बब्बर शेर बना दिता, हम मुर्दे लोकानू भी बब्बर शेर बना दिता, हम मुर्दे लोकानू भी बब्बर शेर बना दिता। करहे आज प्यास तहनर दोज कजाही के सत पखे रविदास। अज इतिहासक डेरा शिवदास मंदिर की पावन पवित्र धरती पर सतगुरु गरीब नवाज दो जहान दे वाली सतगुरु क्रांतिकारी रहबर श्री गुरु रविदास महाराज जी का ज्योति जोत दिवस जो कि 121वां सालाना जोड़ मेला मनाया गया, जिसे देश विदेश दी समूह संगतां ने सहयोग किया। मैं अपने वालों और समूह संगत वालों समूह संगतां का धन्यवाद करदा जिन्होंने समागम में शामिल होकर सहयोग करके इस स्थान के नाल प्रेम स्नेह इस तरह बनाया है। मैं आस करता कि इस तरह इस स्थान के नाल चल के आप उस बेगमपुरी के सुपने जरूर साकार करांगे। मैं समूह संगतां का धन्यवाद करदा। जय गुरुदेव। ऐले दरबार दियां दासियां दुलारियां, ऐले दरबार दियां दासियां दुलारियां, गुरु रविदास दियां खेडां ने आरियां, ऐले दरबार दियां दासियां दुलारियां। बहुत ही सत्कार जो श्री गुरु रविदास महाराज की वरसाई हुई उसकी गोद का निक मान रही सारी संगत को मेरे वालों दलविंदर दयाल पुरी वालों जय गुरदेव धन गुरदेव। बाबा जी के हुक्म सदका से सारे कलाकार ने जिथे रणजीत राणा जी कुलविंदर कंधा जी और सारे इन्होंने हाजिरी दी है। साढ़े वालों बहुत बहुत इस समागम दधाई हो और क्रांति टीवी पर जोड़े तुम देख रहे हो सुन रहे हो और सारा स्टाफ जिहड़ा हरेक श्री गुरु रविदास महाराज का समागम होवे चाहे डॉक्टर भीम राव अंबेदकर साहब जी का जन्म शताब्दी आप बहुत सारे रल के कट्ठे मना के हटे हैं। ये क्रांति टीवी वाले भी बधाई के पात्र है, पूरा स्टाफ बहुत बहुत क्रांति टीवी में बधाई है क्योंकि ना अकते तो ना कदे थकते जिहड़े श्री गुरु रविदास महाराज उत्ते भरोसा रखते वह दुनिया से छा जाते हैं, जिहड़े नज़रां निशानियां ते रखते वह मंजिलां नूं पा जाते हैं। जय गुरदेव धन गुरदेव जय गुरदेव धन गुरदेव धन गुरदेव जय भीम जय भारत। अज बहुत ही खुशी का दिन है कि डेरा श्री गुरु रविदास जी महाराज चक हकीम बड़ा ही इतिहासिक जो स्थान है अज सानूं फखर होना चाहिए है कि साढ़े समाज के रहबर जगत गुरु गुरु रविदास जी महाराज जी ने अपने पावन चरण इस धरती से रखे। ये चरण छो प्रावत गुरु रविदास जी महाराज चरण छो प्रावत धरती है और सानू इत्थे आके बहुत खुशी हुई है कि उन्हां दा जो ज्योति जोत दिवस मनाया जा रहा है और बाबा जी इत्थे जो डेरे का सालाना जोड़ मेला है अज मना रहे हैं और मैं सारी ही संगत को देश और विदेश की संगत को लख लख मुबारकबाद दी हूँ जोड़ मेले की और गुरु रविदास जी महाराज चरणा श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं कि वह महाराज और रहबर जिन्हों की पवित्र बाणी सानू जीवन जीवन की जो युक्ति दसती है अज असी उन्होंने विचारधारा में लैके जो अपना जीवन असी अपने समाज के विचरना है अज बहुत ही मंदभागा समा साडे समाज से चल रहा है क्योंकि साडा समाज नशे के विच गर्क होता जा रहा है। सब तो ज़्यादा नशा जो साडे समाज में एक बहुत बड़ा कोड़ लगा हुआ है। आओ सारे इकट्ठे होकर गुरु रविदास जी महाराज विचारधारा के मुताबिक अपनी जिंदगी में जीवे, नशे तो दूर होके कुरीतियों से दूर होके अनपढ़ता जो साडे समाज के विच बहुत ही वड्डी एक गरीबी असी अच दूर करना है, अनपढ़ता दूर करना है, एजुकेशन अपने बच्चों लेके पढ़ा के पढ़ा है लेके आना है मसलों क्योंकि
एजुकेशन तो बिना इंसान ब्लाइंड है, अन्ना है, विज्ञानी है। अगर असं ज्ञानवान होना है, महापुरुषों की बाणी का प्रचार से प्रसार करना है तो सानू पढ़ना होगा। पढ़न के लिए सानू स्कूल खोलने होंगे, क्योंकि जो सरकार के स्कूल हैं उन्होंने जो विद्या का जो एजुकेशन का म्यार बहुत ही गिर चुका है। क्योंकि जो बिल्डिंग है तो स्टाफ नहीं है, जो स्टाफ है तो बिल्डिंग नहीं है, पीने का पानी का प्रबंध नहीं है। साडे बच्चे इस टाइम रुल रहे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे रुल रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट एजुकेशन है वो बहुत महंगी है। उत्थे तक पहुँच साडे बच्चों की, साडे समाज के लोगों की नहीं है। आओ, मैं महापुरुषों के चरण अरदास करती हाँ, संत बाबा पुरशोत्तम दास जी महाराज को भी बेनती करती हाँ कि अगर असी बाबा साहब का मिशन, गुरु रविदास जी महाराज जी मिशन अगे लेके जाना है, तो आओ असी अपनी संगतों को प्रेरित करिए कि आप एक टाइम की रोटी घट खा लीए। रोटी एक टाइम ना खाने के नाल साडी जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन पढ़ाई तो बिना साडी जिंदगी नहीं गुजर हो सकती। गुरु बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी यही कहा कि पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई वो शेरनी का दुध है, जो पिएगा वो बहाड़ेगा, ज्ञानवान हो जाएगा, वो शेर बन जाएगा, उन्होंने कोई कन्नों फट के कितने गुमराह नहीं कर सकेगा। क्योंकि अनपढ़ लोगों के नाल जो साडे समाज में सदियों तो लुटाड़िया गया, अनपढ़ के कारण लुटाड़िया गया, क्योंकि सानू महापुरुषों का इतिहास नहीं सी पता, सानू अपने आप का नहीं सी पता। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि अपना दीपक आप बनो, किवें बनना, पढ़ाई करके। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर का जो स्लोगन है, उन्होंने जो मेन है, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, असी तद ही कामयाब होवोंगे। जो सब तो पहला जो साडा स्टैप है, सब तो पहली कामयाबी की जो पीढ़ी है, पहला स्टैप है वो एजुकेशन है, पढ़ाई है। मैं बाबा जी पुरशोत्तम दास जी महाराज ने बहुत बहुत मुबारकबाद दिनी हाँ। साडे मेरे वीर दयालपुरी जी, दयालपुरी जी जो बहुत ही मिशनरी कलाकार हैं, जिन्होंने समाज में बहुत जागृति लियाती है। तो कुलविंदर किंदा जी साडे बहुत, रणजीत राणा जी मेरे वीर, देसरा जी और जिन्हें भी मेरे परिवार के वीर भैन इतने आए हैं, सारे महाराज के ज्योति ज्योति स्थलों में बहुत बहुत उन्होंने श्रद्धा सूर भेंट करती हाँ। आओ सारे रल रल के बेगमपुरे के वासी बनीए। गुरु महाराज जो पवित्र बाणी है, बेगमपुरा जो साडा संविधान, साडी जिंदगी में जो सेध दे के गए हैं, बेगमपुरा शहर के नाम दुख अंदर नहीं तैठाओ, ना तस्वीर विरास नवान, कौफ न कतान, दर्श जमान, अप मोहे गुरु वतन गए भाई, तू मां खैर सदा मेरे भाई, कायम कायम सदा पास आही, दोम से एक सो आही, आवादान सदा मसूर, ऊहा गरी बसे मामू, ज्यो ज्यो सैल करे त्यो पावे, महरम महर न को अटकावे, कह रविदास खलास हमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। महाराज ने इन्ना सुंदर शब्द, इन्ना क्रांतिकारी शब्द, इन्नी क्रांतिकारी विचारधारा के जरिए सानू दस्या है कि साडा विधान, साडा संविधान किहो जिहा होना चाहिए है। आओ अज एकजुट होने की जरूरत है। और मैं सारिया संगतों लख लख मुबारकबाद दिनी है, पुरशोत्तम दास जी महाराज को भी मुबारकबाद दिनी हाँ, जो योजा कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करके साडे समाज में चंगी सेध दे रहे हैं। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।